हूँ अभी, अभी समझो आधा घंटा हुआ है बस चलते हुए। कितना 8, बहुत लंबा है अभी डिस्टेंस। लेकिन हाँ वहाँ वो वाले रास्ते से सही हो जाएगा, क्या बोलते हैं ये थोड़ा कीचड़ मिट्टी वाला रास्ता, वहीं शुरू हुआ था जहाँ पर लंच किया था जॉल जी भी। हाँ जॉल जी भी के बाद तो सब ठीक ही ठीक है। बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं इधर। ओ हो 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 हो, काली नदी का रौद्र रूप, माँ काली की तरह। हो गया और अब निकलना है हमें डीडी हाट। ये डीडी हाट का जो रास्ता है बहुत ही सुंदर है। डीडी हाट 10 किलोमीटर, थल 35, मुंशियारी 105, आशकोट 11। नाइस। डीडी हाट का ये रास्ता बहुत ही सुंदर है और एकदम बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है जैसे जंगल से होते हुए जा रहे हैं, और जंगल है ही, फील तो आ ही रहा है बट एक्चुअली ये जंगल भी है। और रोड वो एल्गी वगैरह जम गया है क्योंकि प्रॉपर धूप नहीं पड़ती होगी और ह्यूमिडिटी भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। पूरा ये फर्न्स और पता नहीं क्या क्या वेजिटेशन है यहाँ पहाड़ों पर, सुंदर। वाह 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 वाह, कितना प्यारा सुंदर वाटरफॉल। जा सकते हैं क्या उधर? ढाबा है यहाँ पे, ढाबा रुकेंगे भैया? हाँ भैया रुक लेते हैं, पानी तो पी लें। अच्छी जगह लग रही है रुकने की, प्यास लग रही है, पानी ले लेंगे, बॉटल चाय पियेंगे। दिनेश भाई चाय, 3 चाय, चीनी कम। ये भी नहाने वाला है बिल्कुल। भाई साहब पेड़ों को देखो भैया, इधर पेड़
कितना सुंदर जंगल है, कितना यूनिफॉर्म, वाह। घुस गया बीच में वीडियो बनाते बनाते। जागेश्वर के रास्ते भी इसी तरह से हैं। कितना ही सुंदर लग रहा है ये चीड़ का जंगल। दोपहर के 2 बजने वाले हैं और हम अभी बेरीनाग के रास्ते पर हैं। बेरीनाग अभी भी 15 किलोमीटर दूर है और ये रास्ते इतने संकरे हैं, इतने पतले हैं, नैरो हैं कि इस पे मज़ा आ रहा है चलाने में। टॉवल गिर गया भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू। पहले कार वाले भैया ने मदद बता दिया। हाँ भैया, चलिए साहब लंच किया जाए द ओक लीव कैफे। थ्री थर्टी हम लोगों का लंच हो गया है और लंच करके अब हम लोग चल पड़े हैं बैजनाथ की तरफ। आज का डेस्टिनेशन, आज की राइड बैजनाथ पर एंड होगी। बैजनाथ बागेश्वर से थोड़ा आगे है और 1.5 से 2 घंटे में हम लोग बैजनाथ पहुंच जाएंगे। अरे बागेश्वर, फाइनली बागेश्वर नज़र आने लगा। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से बागेश्वर का और ये रामगंगा रिवर है यहाँ पर। फ्यूल रिफ्यूल टाइम। अब हम हैं बागेश्वर में। ओके, केक लेना है, केक ले ले। लेकिन यहाँ से केक लेके जा भी नहीं पाओगे भैया। सोचा केक रखोगे कहाँ, बांधोगे क्या रस्सी से? केक पेस्ट्री कुछ नहीं ले जा पाएंगे, वो सब खराब हो जाएगी। हाँ, वो वहीं से लेंगे। ये पैदल ब्रिज है क्या बराबर में? सही है। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और हम लोगों को बाइक चलाते 9 घंटे हो चुके हैं और आज बहुत ही कम डिस्टेंस कवर किया है क्योंकि पूरा रास्ता इसी तरह की रोड का था। मेरे आगे राजेश भाई हैं, दिनेश भाई हैं, हम सभी लोग सुबह 8 बजे निकले थे धारचूला से और बैजनाथ पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। मुझे लगता है 1/2 घंटे में पहुँच जाएंगे, ऑलमोस्ट देयर। तो नेक्स्ट अपडेट बैजनाथ पहुँच के। और हाँ, बैजनाथ पहुंचने के बाद आज रात का स्टे वहीं है, दिनेश भाई के रिलेटिव्स के यहाँ, और कल मॉर्निंग में अपने होम टाउन पीलीभीत के लिए होगी वापसी। कल का टूर भी काफ़ी लंबा रहेगा, अराउंड 300 किलोमीटर्स की ड्राइव रहेगी। कल देखते हैं कैसा मौसम रहता है और कितना टाइम लगता है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना जल्दी कवर हो गया पता भी नहीं चला। So finally we have arrived to our destination. Namaskar bhaiya. Pata nahi aap log dekh pa rahe ho ya nahi, par yahan se Bajnath temple nazar aa raha hai samne. Prachin temple. आज का हमारे स्टे का रास्ता
नमस्ते अनिल, दोस्तों हम लोग आ गए हैं दिनेश भाई के रिलेटिव्स के घर पे, और यहाँ से आप लोग व्यू देखो, वो है वो टेंपल बैजनाथ धाम रिवर, इस जगह का नाम है गरुण, और हमारे राजेश भाई, और ये घर जहाँ बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आ रही है, बहुत सारे प्यारे प्यारे एनिमल्स हैं, प्यारी सी बकरी है एक सुंदर सी गाय है, हेलो गाय, डक्स भी हैं, रैबिट्स भी हैं, हेलो रैबिट, हमारी भाभी बना रही है चूल्हे पे रोटी कुछ बोलो तो भाभी, हेलो गाइस, भाभी तुम कितना पढ़ी हो ये बताओ तुम अभी एमए भी है, हमारी भाभी भी कितनी क्यूट है, कितनी प्यारी स्माइल है भाभी की, हमारी भाभी 8 फेल है पास, अच्छा भैया तुमने भाभी को आईक्यू नहीं पढ़ाया, एक सेकंड क्यों बनाया वो भैया, भाभी को आईक्यू नहीं पढ़ाया, कौन पढ़ाया आज यार, क्यों ऐसे भागते रहे और दे, अगर ये एसडीएम बन जाती तो छोड़ के भाग जाती, सबको पता है वही बात है, ये सुन गया तुमने, बड़े बॉय दिनेश भाई की नानी के घर चूल्हे वाली रोटी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, अब फोन कृपया करके शुरू करिए, पानी बहुत ठंडा है, पूजा ये सारा पानी दे यार, हाँ हाँ घी लग गया, देसी घी लग रहा है रोटियों पे मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, बाय, गुड नाइट।